भाई मूर्ति को उठाया जा रहा है, सीधा मंदिर के अंदर से विराजमान करा जाएगा। और चेक करो सारे लोग लगा रहे हाथ, अभी चल रही है तो सारे बोलो गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, तुम्हारा स्वागत है भाई मेरे नए व्लॉग में। पहले तो सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी भाई, आज गणेश चतुर्थी है ठीक है। आज भाई गणेश जी आएंगे ठीक है, वो चीज भी आपको दिखाऊंगा ठीक है। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट, लेट्स गो। घर से आते ही फिर अभी नारियल पी रहा हूँ, नारियल पानी पीने आया हूँ ठीक है, क्योंकि नारियल पानी शरीर के लिए अच्छा है और मेरे ना थोड़े से प्लेटलेट मुझे लगता है कम हो गए हैं, तो वो बनाने के लिए नारियल पानी पीते हैं। तो भाई अभी चेक करो, यहाँ पे संयम भी आ चुके हैं जी, हैं पंडित जी बनके। और भाई अभी ना गणेश चतुर्थी है ना आज, तो उसके लिए ना गणेश जी की स्थापना हो रही है ठीक है इनके मंदिर में, शीतला माता मंदिर है जो ऊपर ऊंचे खड़े में, तो वहाँ गणेश जी को लेकर जाएंगे। अभी आपको पीछे आवाज आ रही होगी ना उस साइड, ये देखो उस साइड मंदिर है, तो वहाँ पे अभी हम मैंने कहा इस साइड वहाँ पे शूट करते हैं, आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी ठीक है इसकी वजह से। तो अभी आपको दिखाते हैं क्या क्या चीजें हो रही है, सारा ढोल बोल सारी यात्रा निकलने वाली है, एकदम मजा आने वाला है ठीक है। आपको मैं इधर से दिखाता हूँ, पीछे से काफी लोग जुड़ चुके हैं, अभी आ चुके हैं ठीक है, सारी चीजें स्वागत हो रहा है गणेश जी का, इनके मंदिर में उनको स्थापित किया जाएगा, फिर उसके बाद विसर्जन के लिए जब भी होगा टाइम तब लेके जाया जाएगा जी। गणेश जी की पालकी जिसके अंदर गणेश जी को देखो बैठा रखा है, अभी मूर्ति देखो पूरा फेस कवर करा हुआ, उसके बाद वहाँ पे हमारे पंडित जी भी आगे सारे ठीक है, और साथ ही साथ में पीछे देखो पूरा बैंड बाजे के साथ लेके जाया जाएगा। तो भाई अभी ना घर आया हूँ ठीक है, ट्राईपोर्ड लेने के लिए अभी संयम गया है, ट्राईपोर्ड के बिना नहीं शूट होता ना, हाथ से नहीं शूट हो पाता इतनी देर। अभी अपना ट्राईपोर्ड ले आए हैं आप ठीक है, अभी जलजीरा वगैरह अच्छा लग रहा है ना, पियो बेटे मजे, बोलो गणपति पापा मोरिया, गणपति पापा मोरिया, वेरी गुड। चलिए अब शूट करते हैं, आपको सारी चीजें दिखानी है ना, आराम से दिखाएंगे सारी चीजें। पहले ना जो पालकी को ना पूरा मार्केट के अंदर से लेके जाया करता था, बट अब कह रहे हैं सीधा यहीं से कल्याण से होते होते ना मेन रोड से होते होते सीधा ही मंदिर की तरफ ले जाएंगे। देखो अभी तो गणेश जी को पूरा कवर कर रखा है, फिर उसके बाद जब मूर्ति की स्थापना होगी मंदिर में, फिर उसके बाद देन होगा सारी चीजें। अभी तो सारा कवर करेंगे, सारी तरफ घुमाएंगे, लोग दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद दर्शन करवाए जाएंगे आपको भी लाइव। हमारे शहर में ना कोई भी अगर कोई भी वो रिलीजन या कोई फेस्टिवल होता है तो बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। आप देख रहे हो गणेश चतुर्थी आज ठीक है, देखो कैसे लगे हुए सारे, सबके अंदर इतनी श्रद्धा भावना। और पीछे देखो, पीछे पीछे तक दिखाता हूँ तुम्हें, सारे लोग इतने ज्यादा लोग भर भर कर आ रखे हैं ठीक है। गणेश जी की जो पालकी है वो लेके जाई जा रही है, और दूसरी साइड वहां पर उस साइड भी वहां पर भी दूसरी वाली पालकी है जो अभी तैयार हो रही है, साथ में ये वाली पालकी अभी जा रही है। इसमें गणेश जी को दिखाता हूँ मैं तुम्हें सारा चीजें ठीक है, इसमें गणेश जी को अभी देखो लेके जाया जाएगा मंदिर में, और यहाँ पे सारे जितने भी लोग हैं सारे आ रखे रैली। यहाँ पे संयम जी पंडित जी हमें बचा देंगे, दीजिए थैंक यू जी, थैंक यू। और जो आ चुका है भाई यहाँ पे ना पंडित जी, जो गणेश जी का ना भोग होता है लड्डू, लड्डू आ चुका है उनका फेवरेट मोदक। देखो गणेश जी अलग अलग मंदिरों में लेके जा रहे हैं, तो ये वाले जाएंगे उच्चे खेड़े माता रानी मंदिर में, और ये जो गुक्कामाड़ी के अंदर मंदिर है ना उच्चे खेड़े में, तो ये वाले वहाँ पे। तो अभी इनके जो गणेश जी है ना, अभी उनको मतलब कि पूरा मतलब अभी इनका कपड़ा उतारा नहीं है ठीक है, उनके वाले तो दर्शन कर लिए आपने, इनके वाले भी जरूर गए। हम चाहते हैं आपको सारी चीजें दिखाई जाए जो हमारे शहर में हो रही है, रूपनगर शहर में। और यहाँ पे देखो हमारे सारे पंडित जी भी सारे आ चुके हैं, सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पे, पूरे कलश यात्रा सारी तैयार है, सारे सारे अपनी अपनी श्रद्धा के साथ साथ आ रखे, क्योंकि गणेश चतुर्थी है, उसके बाद विसर्जन, बहुत सारी चीजें आने वाली, क्योंकि सीजन आ चुका है, सारा फेस्टिवल सीजन रहने वाला है, चीजें होने वाली बहुत बढ़िया बढ़िया, आप चेक कर सकते हो। अभी सारी वाइब्स आपको आज देखने के लिए मिलने वाली हैं।
सो अभी उधर से चले और दूसरी वाली पालकी जो पहले वाली वहीं पे लेके चलते हैं आपको उस साइड ही, क्योंकि अभी तो यहाँ पे लगेगा 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। जैसे ये वाली यात्रा आगे को निकलेगी फिर वो पीछे से वो भी आएंगे, है ना। सब अपने अपने सेलिब्रेट करते करते आ रहे हैं, आप सबको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है, इतनी बढ़िया बढ़िया है कि नहीं है। और यहाँ पे चेक करो, देखो रश देख रहे हो आप, सारे अपना काम धाम छोड़ कर, क्योंकि देखो काम शुरू होते हैं गणेश जी से। गणेश जी खुश रहेंगे तो तुम्हारे सारे काम और कार्य हो जाएंगे एक नंबर में, है ना। तो उनको खुश रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रसाद की सेवा भी चल रही है तो सारे बोलो गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। क्या बात है जी, देखो गणेश जी देखो कितने सुंदर लग रहे हैं एकदम। अब जो लोग तो नए जुड़े हैं ना मेरे साथ, उनको तो ये सारी चीजें नई नई देखने के लिए मिल रही है। और जो लोग मेरे साथ ना इतने सालों से जुड़े हुए हैं ना, जिनको पता है मैं पिछले साल भी बनाता रहा था वीडियोस, है ना, तो वो सारे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ भैया हम आपके साथ पहले से जुड़ रखे थे, ठीक है। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये वाइब होने वाली है एकदम मस्त वाइब, है ना। और हनी भाई मजा आ रहा है पूरा पूरा, और 1 मिलियन हो जाएंगे ना हमारे। तो भाई इस मंथ हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर मुझे लगता है जितना हो जाएंगे आप सब लोग करवा ही दोगे, मुझे पता है। फिर गोल्डन प्ले बटन गणेश जी लेके आएंगे फिर। एक पालकी तो चलेगी है, ठीक है, मंदिर में आपको सीधा दिखाएंगे, और दूसरी पालकी आ रही है पिछली साइड से, ठीक है। उनके भी गणेश जी दिखाते हैं, उनके भी दर्शन करवाते हैं आपको। हम चाहते हैं हम आपको ना जितने भी रोपड़ शहर में मंदिर है जहाँ जहाँ भी गणेश आज विसर्जन नहीं स्थापित किए जा रहे सॉरी, तो वो सारी चीजें आपको दिखाई जाए। तो ये है भाई दूसरी जो गणेश जी की मूर्ति रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पे ये चेक करो भाई, यहाँ पे सारे गणपति जी देखिए भाई, पूरे इनके दर्शन कीजिए यहाँ के गणपति जी, ये चेक करो भाई क्या बात है क्या बात। जा रही है दूसरी यात्रा, मतलब दो दो ग्रुप जा रहे हैं, एक गणेश जी अलग जा रहे हैं, बट है तो गणेश जी एक ही ना है कि नहीं है, बसते तो बस सब में ही है, पर श्रद्धा है वो अलग कमेटी है, सो इस साइड वाली अलग कमेटी है। बट जैसे पिछली बार जैसा रश था ना वैसे इस बार है नहीं है, मतलब कि रश वश कम है। और यहाँ पे देखो पटाखे फोड़े जा रहे, वाह बेटे वाह क्या बात है। सो भाई मंदिर के अंदर तो पूरी तैयारी श्यारी हो रखी है, ठीक है। श्री गणेश हो गया, यहाँ पे रहेंगे भाई गणेश जी जो हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे, और जो दूसरे गणेश जी आ रहे थे वो दूसरे मंदिर में जाएंगे, तो वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे। देखो कितनी बढ़िया डेकोरेशन, पूरी इतनी अच्छी तरीके से डेकोरेशन कर रखे पूरे लाइट्स के साथ। अब यहीं पे रहेंगे गणेश जी, यहाँ पे विराजमान हो गया, अभी आ रही है पीछे से पालकी आ रही है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही उनको उठा के लेके आया जाएगा सारी चीजें आपको दिखाने वाले हैं। पालकी आ चुकी है बिल्कुल मंदिर के पास, और सारे देखो अंदर चले गए, अभी लेके जाएंगे मूर्ति को अंदर की तरफ। भाई मूर्ति को उठाया जा रहा है सीधा मंदिर के अंदर, इसे विराजमान करा जाएगा, और चेक करो सारे लोग लगा रहे हाथ। वाले मंदिर में तो आपने देख ली स्थापना कर दी, अब दूसरे वाले मंदिर में लेके जाते हैं, वहाँ वाले भी गणेश जी दिखाते हैं। तो भाई अब आ गया दूसरे वाले मंदिर में, तो अंदर आपको दिखाते हैं गणेश जी यहाँ पे विराजमान कर दिए हैं, ठीक है। सारी जगह दिखा रहे हैं तो यहाँ कैसे छोड़ेंगे, तो यहाँ पे स्थापित कर दिया गणेश जी, आपको दिखाते हैं क्लोज से ले जाकर। चेक करो भाई कितनी बढ़िया डेकोरेशन कर रखी है साथ में पूरी लाइटनिंग के साथ प्रॉपर एकदम से, ये चेक करो। सो भाई आपने वहाँ भी दर्शन कर लिए, और भाई बारिश पड़ने लगी हल्की हल्की सी, ये चेक करो। और अब चलते हैं संयमनों के मंदिर में, ठीक है। वहाँ पे थोड़ी सी ना थंबनेल के लिए फोटोज लेनी है जो मेन है ना, क्योंकि लाइटनिंग वगैरह अब ओपन होगी शाम के टाइम। दोपहर के टाइम तो आपको पता ही है धूप वाली रोशनी, पर शाम के टाइम होती जो लाइट्स वगैरह होती काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव सी लगती है ना,
मजा आता है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, और जितने भी नए लोग हैं सारे सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्रेस द बेल आइकन ताकि सबसे पहले आप वीडियोस आप देख सको। सो भाई अभी हम हैं ठीक है माता रानी मंदिर के अंदर, और आज आपको बताते हैं ठीक है अंकल जी, और कितने सालों से अंकल मूर्तियां लेके आ रहे हैं आप यहाँ पे? 18 साल हो गए जी। तो देख रहे हो आप सारी इतनी ज्यादा श्रद्धा है गणेश जी के प्रति, तो एक बार सारे बोलते हो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। क्या बात है जी, चेक करो यहाँ पे देखो कितनी अच्छी तरीके से डेकोरेशन हो रखी है, और साथ ही साथ में जो लाइटनिंग हो रखी है ना इतनी बढ़िया डेकोरेशन, गणेश जी देखो क्या बात है। अभी यहीं पे रहेंगे, फिर उसके बाद विसर्जन होगा, सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती रहती है ना। तो भाई आगे सारा ब्लॉग शूट करके अब हमारा बैनर लग जाएगा ठीक है, यूट्यूब वाला ऑलराउंडर बॉय एसआर। सो गाइस इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, चैनल को कर देना सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट्स। बाय बाय।